का तो सोचेगा ना। आप तुम लोगों ने लेके आना है उसे, ठीक है। आपने देखी है 7 से 8 महीने हो गए हैं महंगाई दिन ब दिन ऊपर से ऊपर चली जा रही है, ऐसे ही है ना। वेलकम टू कमर एनीवेयर एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है फ्रेंड, सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट का होगा। आपने लास्ट तक देखना है, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करने वाला हूँ, आपने साथ रहना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट का व्लॉग है, आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। आ गया हूँ शहर, मैंने ये आपको दिखाना था, ये बंदे आपको दिखाने थे, इसलिए मैं सुबह सुबह उठा हूँ। सुबह नहीं, करीबन 10 का टाइम हो गया, तो मैं अभी शहर आया हुआ। ये बंदे मैंने आपको दिखाने थे, ये देखें, ये बंदे करीबन जो है ना 70 की तादाद है इन बंदों की, जो सड़क के उस पार भी खड़े हैं और इस पार भी खड़े हैं, और ये आए हैं काम की तलाश में, ठीक है। इन्होंने काम ढूंढना है, और काम ढूंढने के बाद कोई बंदा आएगा इन्हें साथ अपने ले कर जाएगा। काम की तलाश में सारे बंदे आए हुए हैं, लेकिन अभी 10 बज गए हैं, कोई बंदा इनको लेने नहीं आया काम के लिए, ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ी सी पास जाके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आपने बंदे की इतनी तादाद देखनी है बस आपने। काम का टाइम टेबल होता है ना, वो करीबन 8 से 8:30 बजे तक होता है, लेकिन अभी 10 बज गए हैं। 10 बजे तक अब कौन बंदा आके लेके जाएगा? 8 से 8:30 बजे तक तो टाइम होता है कि बंदा आता है काम पे ले जाता है। हमारे काम का टाइम टेबल यही है कि 8 से 8:30 बजे, लेकिन अब जो टाइम हो गया ना, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 बज गए हैं। ये 60 से 70 से 80 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ना थोड़ा सा वेट और करना है, थोड़ा सा काम और वेट करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाना है। यानी कि 70 से 80 बंदे ऐसे हैं जिनके घर आज खाने के लिए, यानी कि अगर वो चले जाएंगे उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। आपको पता है मजदूर बंदा जो होता है वो डेली कमाता है और डेली खाता है, लेकिन आज ये 70 से 80 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर चले जाना है। उनके घर अल्लाह की ज़ात सबको रिज़क देती है, कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन ये है कि 70 से 80 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रोज़गार के बगैर अपने घर चले जाना है। ये देखे फ्रेंड, करीबन 10 का टाइम हो गया, अभी तक ये बंदे इधर ही खड़े हैं काम की तलाश में, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है मैंने आपसे पहले ही बोला है वो 8 से 8:30 बजे का है। उसके बाद अगर किसी बंदे ने आना है तो कोई हो कि मुश्किल की मजबूरी हो कि जिन्हें को बंदा लगाना हो। ये सारे बंदर 70 से 80 बंदे हैं, इन्होंने अपने घर चले जाना है अब, ठीक है। इनकी आज की दिहाड़ी जो है गुल है, और ऐसे मुसलसल जितने भी दिन गुजर रहे हैं ना, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोज़गारी हो गई है। ज़रूर मैं शेयर करना चाहता था, 2-3 दिन हो गए मैं इधर आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, जो मैं सारी सूरत यही देखता हूँ, ठीक है। तो आपसे इल्तमास है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, गलत को आप बिल्कुल आप बुराई का साथ देंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। हमारा मुल्क दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, नीचे से नीचे चले जा रहा है, तो बराए मेहरबानी साथ करें, सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, ठीक है। लो जी, कोई बात करना चाहता है बेरोज़गारी के मामले में? कोई बंदा बात करना चाहता है बेरोज़गारी के मामले में? यहाँ क्या मामला चलता है, पंजाबी में बोल सकते हैं कोई? अरमान खान यार, वो तो आएगा तो सोचेगा ना। आप तुम लोगों ने लेके आना है उसे, ठीक है। आपने देखी है 7 से 8 महीने हो गए हैं महंगाई दिन ब दिन ऊपर से ऊपर चली जा रही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। इधर बंदे आ रहे हैं, सारा दिन वेट करते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है। काम है ही को नहीं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही फील्ड है, मैं ठेकेदार हूँ, मैं काम करता हूँ, यकीन करें मेरे पास खुद काम नहीं है, तो बंदों को मैं कहाँ से लगाऊंगा, ठीक है। ये सूरत हाल बनी हुई है, बराए मेहरबानी गौर करें, और जो मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड देख रहे हैं यार, कम से कम गलत को गलत कहें, ठीक है। आपने क्या पकड़ा हुआ, सिर्फ एक घड़ी के पीछे मैं मुसलसल 3 से 4 दिन से देख रहा हूँ मीडिया पे, एक घड़ी 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 किए जा रहे हैं,
पेट्रोल की कोई बात नहीं करता, ठीक है, दाल आटा घी इसकी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये महंगाई की भी मेरा दोस्त मेरे वीर मेरे भरा महंगाई की भी बात करें, ठीक है, उसके बाद आप घड़ी की बात करें, आपको आप घड़ी की पड़ी हुई है, बंदे इतने तंग है, बेरोजगारी उरूज पे जा रही है, कोई बंदा बात नहीं कर रहा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यह मेरी वीडियो जो है ना आप तक पहुँचे, आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचे और आप सोचें और फैसला करें। ये सिर्फ अभी तो बात छोटा सा शहर है, ये इसका ये हाल है, अभी तो बड़े शहर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतने ही, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, अभी के लिए इतने ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और आपने साथ देना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।